नमस्कार, हिमाचल दस्तक दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की कुछ बड़ी खबरों पर। चलती कार पर गिरा पत्थर, चालक जख्मी। नूरपुर के न्यासपुर में पेश आया खौफनाक हादसा। आईजीएमसी के पास दो मंजिला भवन ढहा, लाखों का नुकसान। 12 को नहीं, अब 26 सितंबर को होगी एचएस की परीक्षा। लोक सेवा आयोग ने जारी किया शेड्यूल। सेना की खुली भर्ती 6 से 16 नवंबर तक, 28 अगस्त तक करना होगा आवेदन। विधानसभा सत्र में भूख हड़ताल पर जाएंगे बिजली कर्मचारी। सर्विस कमेटी की बैठक न होने से नाराज हैं कर्मचारी। एचआरटीसी ड्राइवर कनेक्टर माने तो अब पेंशनर खोलेंगे मोर्चा, विधानसभा घेरने की तैयारी। अतिरिक्त उपायुक्त से मिले चंबा के कलाकार, बोले मिंजर के मंच पर दिया जाए उचित मेहनताना। वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास नीति है हमारी प्राथमिकता, रोपा पद्र में बोले जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा। और अब खबरें विस्तार से। जिला कांगड़ा के नूरपुर में चलती कार पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे में चालक को काफी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार नूरपुर के न्यासपुर में एकाएक चट्टान से पत्थर गिरने लगे। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार बड़े पत्थर की चपेट में आ गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और चालक बीच में ही फंस गया। बाद में सुरक्षा दल ने कार की छत को काटकर चालक को बाहर निकाला और उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा। राजधानी शिमला में बरसात के मौसम में भवनों के गिरने का सिलसिला जारी है। सोमवार देर रात आईजीएमसी के समीप दो मंजिला मकान जमींदोज हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि मकान में हादसे के समय कोई नहीं रह रहा था। हालांकि ये भवन काफी पुराना था और इसे असुरक्षित घोषित किया गया था। वहीं भवन को खाली भी करवाया गया था, लेकिन भवन में सामान रखा हुआ था। इस भवन के साथ लगते एक और भवन को भी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। राज्य लोक सेवा आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इससे पहले एचएस परीक्षा 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन नीट के चलते परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव डीके रतन ने बताया कि एचएस की परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। इसमें बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, पालनपुर, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, हमीरपुर और सुंदरनगर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एचएस की संयुक्त परीक्षा 2020 के लिए करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 2021-22 की सेना की खुली भर्ती का आयोजन 6 से 16 नवंबर तक मंडी, कुल्लू या लाहौल स्पीति में से किसी एक स्थान पर किया जाएगा। ये जानकारी भर्ती निदेशक मंडी कर्नल एम राजा राजन ने दी। उन्होंने बताया कि इस भर्ती में जिला मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवक भाग ले सकेंगे। सेना की खुली भर्ती में भाग लेने वाले सभी इच्छुक अभ्यर्थी 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। केवल ऑनलाइन रजिस्टर्ड उम्मीदवार को ही भर्ती में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत होगी, इसलिए सेना में भर्ती करवाने के लिए पैसा लेने वाले दलालों से सावधान रहें। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने बिजली बोर्ड प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले लिया है। मंगलवार को शिमला में संघ कार्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले 7 दिनों तक बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर विरोध करेंगे। 2 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होते ही संघ के पदाधिकारी बिजली बोर्ड मुख्यालय में कार्मिक हड़ताल पर बैठेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य तकनीकी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुनी चंद ठाकुर ने आरोप लगाया है कि 2019 में नगरोटा में हुए अधिवेशन में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री की घोषणा के बाद भी बोर्ड प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। दुनी चंद ठाकुर का आरोप है कि मांगों को सरकार की घोषणा के बाद सर्विस कमेटी से मंजूर करवाना होता है, लेकिन बिजली बोर्ड प्रबंधन उन मांगों को सर्विस कमेटी की बैठक में नहीं ला रहा है, जिससे बिजली बोर्ड के सैकड़ों तकनीकी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। एचआरटीसी के ड्राइवर कनेक्टरों के आंदोलन को शांत करने के बाद सरकार व एचआरटीसी प्रशासन की दिक्कतें पेंशनर बढ़ाएंगे। एचआरटीसी पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। एचआरटीसी कर्मचारी सरकार व निगम प्रबंधन को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। 4 अगस्त को विधानसभा के घेराव पर अंतिम निर्णय को लेकर राज्य पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने राज्य स्तरीय बैठक बुधवार को शिमला के तारा देवी में रखी है। इस बैठक में संगठन रणनीति तैयार करेगा कि किस तरह 4 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाए और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि पेंशनर अब सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है और जिसकी रणनीति बुधवार को तैयार की जाएगी।
मंगलवार को लोक कलाकार संगठन चंबा अपनी समस्याओं को लेकर संगठन के अध्यक्ष और लोक कलाकार काकूराम ठाकुर की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त चंबा से मिला। उन्होंने मांग की कि चंबा के कलाकारों को मिंजर के मंच पर उचित मेहनताना दिया जाए। काकूराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है, अन्य हर काम शुरू हो गए हैं, परंतु कलाकार ही ऐसे हैं जिनके पास पिछले 2 सालों से कोई कार्यक्रम न होने की वजह से हालात खराब हैं। हमारे कई कलाकार ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। उम्मीद मिंजर से थी, लेकिन अब मिंजर में भी फ्री में गाने के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। हमारे चंबा के कुछ कलाकारों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं, कारणवश उन्हें अपने वाद्य यंत्र तक बेचने पड़े। उन्होंने मांग की है कि चंबा के कलाकारों को मिंजर का मंच प्रदान करें और उचित मेहनताना भी दिया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। जोगिंदर नगर में जो फूट डालो और शासन करो की राजनीति चलती थी उसका अब खात्मा हो चुका है। जनता को आपस में बांट देना और राज करना, आज ये सब बंद हो चुका है और जनता भी इस बात को समझ रही है। कुछ लोग अभी भी राजनीति करते हैं। हमने राजनीति नहीं विकास नीति को महत्व दिया है। ये बात जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा ने रोपा बद्र पंचायत में विधायक जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। राजनीति करने वाले आज भी जनता को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जनता उनके मंसूबों को भांप चुकी है। आज उनके द्वारा वार्ड स्तर पर जन समस्याओं को हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोगिंदर नगर तो क्या, हिमाचल में भी आज तक इस तरह किसी नेता ने कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में थोड़ा विकास कार्य में अड़चन पैदा की थी। आज जितनी भी परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है उनमें से कुछ परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं और अन्य को भी जल्द ही जमीन पर उतारने वाले हैं।